बहुत दिनों बाद। अब तो मजे ही आ गए हो। मैंने 4 महीनों तक कुछ वीडियो नहीं डाली और मैंने यूट्यूब को एकदम उल्लू बना दिया। भैया मैं तो बैठा था आराम से अपने घर में। अब 4 महीने की स्लीप हो चुकी है, उठ चुके हैं, जाग चुके हैं, तो अब क्या करें यार। चलो देखते हैं ट्री फ्रैक ने कुछ डाला है कि नहीं। क्या इसने मेरे बारे में कुछ डाला ही नहीं? पर आई रुको, मैं बताता हूँ उसको ये कहाँ पे है, कहाँ पे इसे रुको एनालिसिस करवाता हूँ। रुको जरा कॉल कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ हाँ घंटी जा रही है, रुको रुको घंटी जा रही है। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ भी पशु बताओ क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बारे में तुमने कोई वीडियो को नहीं डाली, अब व्यूअर्स क्या समझेंगे कि मैं आराम कर रहा था। ठीक है मैं वीडियो डाल दूंगा, लेकिन कम से कम तुम्हें वापस तो आना चाहिए। तुम हो कहाँ इतने दिनों से? तो गाइस तुम तो समझ ही गए होगे कि आज मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, पर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि बीच बशु वापस आने वाला है 4 महीने की छुट्टी के बाद। बट मैं मुझे पता है, ठीक है, कि तुम लोगों को पहले से ये पता चल चुका है कई सारे चैनल्स से, तो यार मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, मैं तुम्हें कुछ अलग बताने वाला हूँ। तो यार तुम आज ज़रूर देखना इस वीडियो को पूरा एंड तक, और मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि किस डेट पे या किस पर्टिकुलर डेट पे बीच बशुभ आ सकता है। और ये बात ना मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच कर बताई है, तो यार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और जिन्हें लग रहा है कि मैं 2 दिनों से कहाँ गायब हो जाता हूँ, तो यार एक्चुअली ना मेरा कंटेंट से ध्यान हट रहा है और मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने का, बट फिर भी आई एम ट्राइंग, सो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सो तो बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक इंसान जिसका नाम था बीस्ट बॉय शुभ उर्फ शुभम, वो अचानक से यूट्यूब पे गायब हो जाता है। एक्चुअली वो अगली वीडियो में, अपनी आखिरी वीडियो में यह कहता है कि वो शायद कुछ टाइम का ब्रेक ले, लेकिन वो कुछ टाइम का ब्रेक 4 महीने का क्यों हो गया वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो देखो वो 4 महीने का इस वजह से हो गया क्योंकि बीस्ट बॉय शुभ का जो ध्यान था वो कहीं और लग रहा था, यानी कि बीस्ट बॉय शुभ का मन कहीं पे भी मैं बताऊं तो अपनी फैमिली की तरफ जा रहा था और अपने रेस्ट की तरफ जा रहा था, यानी कि वो अपना टाइम थोड़ा अपनी फैमिली के साथ भी देना चाहते हैं, प्लस वो थोड़ा सी आज़ादी चाहते हैं, यानी कि वो हर डे पर्टिकुलरली कंसेंट, मतलब क्या ही कहूँ मैं, हर दिन वीडियो डालने के बाद भी उन्हें रेस्ट की ज़रूरत पड़ गई थी। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम एक सम कितने टाइम तक लगा सकते हो। अगर तुम्हें एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और वो तुम्हारे पास एक नहीं है, अगर एक होती तो तुम करके बैठ गए होते, पर तुम्हें वो हर दिन सॉल्व करनी है और वो तुम्हें आती भी है, तो तुम क्या वो बार बार हर दिन करोगे? नहीं, तुम्हारा मन थकेगा, और जब तुम्हारा मन थक जाएगा तो तुम क्या करोगे? ब्रेक लोगे, और इसी वजह से उन्होंने ब्रेक ली थी। YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस बन गई हैं कि उन्होंने ब्रेक क्यों लिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों उस बातों पे मानना जो बीस्ट बॉय शुभ ने खुद कही ही नहीं है, ठीक है। और उन्होंने जो ये बात कही है, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो उन्होंने खुद कही है, ठीक है। तो अब ये मुझे भी गलत साबित मत करने लग जाना, और वो जब आएंगे तो वो देखना पक्का ऐसा ही कुछ कहेंगे, यानी कि ये हो भी सकता है कि उनका ब्रेक लेकिन 1 महीने तक होना चाहिए था, बट उनका ब्रेक 4 महीने तक चला गया, तो मे भी हो सकता है वो तैयार ही ना हो। यानी कि तैयार ही ना हो का क्या मतलब है? तो तैयारी होने का ये मतलब है कि वो तैयार नहीं हो पाए। अब देखो तुम समझ नहीं पाओगे, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर कोई इंसान रेस्ट लेता है तो वो बहुत जल्दी उस रेस्ट से निकलने नहीं चाहेगा। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम एक टीवी को देख रहे हो और टीवी में तुम्हारा कोई फेवरेट शो आ रहा है, प्लस मैं तुम्हें एक और चीज़ ऐड करके बताता हूँ कि उस शो के बाद भी तुम्हारा फेवरेट शो है और वो शो चलता ही जा रहा है, अब तुम खुद बताओ क्या तुम वो शो छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे, तुम्हारा ध्यान उससे हट ही नहीं पाएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उसका ध्यान कहीं और लग गया तो उसका ध्यान रेस्ट पे ही लग गया। अब इसकी वजह से उन्होंने रेस्ट लिया, और मे भी ये हो सकता है कि उनके और भी कोई रीजंस हो, बट मेरे हिसाब से जो रीज़न होगा और परम रीज़न होगा, परफेक्ट रीज़न होगा, वो यही होगा
अब तुम मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि रीज़न क्या है, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि किस डेट पे वो आएंगे। तो जैसा कि तुम्हें पता है, इस मंथ में और अगले मंथ में बहुत सारे हॉलीडेज़ हैं, बहुत सारी फेस्टिवल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो तुम्हें पता है कि अभी दशहरा आने वाला है, उसके बाद आएगी दिवाली, बट दिवाली नवंबर में है। तो देखो, तुम समझ ही गए होगे कि 15 को शायद वो वीडियो डालें या 15 से बाद वीडियो डालें, क्योंकि और उनका अगर 15 को वो वीडियो डालने का मन होगा तो वो मे बी 15 को ना डालें, 16 को डालें। अब क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि 15 को दशहरा है, तो अब तुम्हें मुझे खुद बताओ कि अगर 15 को दशहरा है तो उस टाइम पे वो क्या अपने फैमिली के साथ बाहर नहीं जाना चाहेंगे? तो वो ऑफकोर्सली हो सकता है, ऐसा होगा ही, ऑब्वियसली होगा कि वो शायद बाहर जाएं। देखो, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए दशहरा वगैरह के मेले में जाएं या कुछ करें, या फिर अपने घर में कुछ सेलिब्रेशन करें और वगैरह, जैसे रावण वावण बनाते हैं वगैरह कुछ ऐसे कुछ। तो यार ऐसा हो सकता है, बट अगर ऐसा होता है तो वो 15 को वीडियो नहीं डालेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि 16 को वीडियो डालना उनके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि 16 को वो एक व्लॉग शूट करके उसे एडिट करके डाल सकते हैं। बिकॉज अगर तुम 15 को ही वीडियो बना रहे हो और दशहरा में भी मेरे ख्याल से क्या वो सेलिब्रेट रात ही में किया जाता है, तो रात में वीडियो डालने में ही मतलब इतनी जल्दी तो तुम वीडियो कैप्चर करके एडिट तो नहीं कर पाओगे ना, तो उसके लिए तुम्हें एक दिन लगेगा ही एटलीस्ट, तो तुम 16 को ही डाल पाओगे। तो वही बात है कि 16 को तुम वीडियो डालोगे और 20 पर शुभ मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं तो मे बी वो फर्स्ट व्लॉगिंग चैनल पे वीडियो डालेंगे इन्फॉर्मिंग के लिए, क्योंकि यार मुझे भी लगता ही है कि व्लॉगिंग चैनल में वीडियो डालना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो उनके एक्टिव यूज़र्स होंगे, उनके जो फैंस होंगे जो कि उनके दोनों चैनल को सपोर्ट करते हैं, वो समझ जाएंगे कि वो क्यों इतने दिनों से गायब थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनके गेमिंग में फैंस नहीं है, मे बी कुछ लोगों को व्लॉगिंग नहीं पसंद आती है तो इस वजह से वो नहीं डालते हैं। और एक अब तुम्हें ये भी पता है कि 10 को संडे है, तो 10 को भी वीडियो आ सकती है, बिकॉज अगर वो 9 तक प्रिपेयर होके वीडियो एडिट करके डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से वो 10th की सुबह तक आनी चाहिए, या फिर हो सकता है लेट नाइट आए वीडियो, कुछ भी हो सकता है, इतना कुछ कंफर्मेशन के साथ नहीं कहा जा सकता। और एक और डेट है जो कि है दिवाली, यानी कि नवंबर 4, तो बस यही डेट्स हैं। तो दैट इज़ इट, और कोई अब मुझे मारेगा नहीं, अब 20 बार शुभ मुझे मारने नहीं आएगा घर पे, बस इतनी थी वीडियो। ओके 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 ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय। फिर दूसरा फसा।